गुमला थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। थाने को दिए गए बयान के मुताबिक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 साल की लड़की अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ चावल कुटवाने के लिए मुर्गू गांव गई थी। चावल कुटवाने के बाद शाम 6:30 बजे अपने घर लौट रही थी, तभी सिसई थाना के मुर्गू निवासी चंदन साहू अपने दोस्त बबलू खान के साथ मोटरसाइकिल से रास्ते में हरिया कुआं के पास नजदीक आया और चंदन साहू मोटरसाइकिल से उतरकर लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा, जिसे देखकर लड़की की अन्य सहेलियां वहां से भाग गईं। इसके उपरांत चंदन साहू लड़की को खींचते हुए रास्ते से नीचे ले गया। इस दौरान लड़की चिल्लाती रही, लेकिन चंदन साहू ने लड़की से बलात्कार किया। बबलू खान वहां खड़ा होकर देखता रहा। इतने में गांव के लोग तेजी से दौड़ते हुए उसके तरफ आने लगे, जिसे देखकर चंदन साहू और बबलू साहू वहां से भाग गया। फिर पीड़िता को उसके परिवार वाले अपने घर ले गए, फिर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी रवि होन हागा ने बताया है कि आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए चंदन साहू उम्र 20 साल, पिता कृष्णा साहू ग्राम मुर्गू सिसई और बबलू खान उम्र 19 साल, पिता सलामत खान ग्राम मुर्गू सिसई निवासी, ये दोनों को गिरफ्तार करके गुमला जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन दिया गया था कल सुबह करीब 11:30 बजे आसपास। उसके बाद हम लोगों ने आवेदन के आधार पर जो अभियुक्त हैं उनके निशानदेही पर हम लोगों छापामारी किया। छापामारी पर हम लोग को सफलता नहीं मिली तो फरार पाए गए थे। फिर हम लोगों ने सर्जी करते हुए एसआईटी टीम गठन की। इसमें अंचलाधिकारी अंजनी निरीक्षक महोदय श्री विनोद कुमार सर का योगदान रहा, अहम योगदान रहा। हम लोग सभी ने आकर छापामारी किया। गिरफ्तारी करने हेतु दबाव डाला गया तो अभियुक्त मजबूरन उनको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार उपरांत विधिवत माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।